वेलकम स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने क्वेश्चन इसमें दिया है कि y इज इक्वल टू 1 एक कॉमन रूट है इन दो गिवन इक्वेशंस का, तो हमें a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब y इज इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का ये फैक्टर है, मतलब y की वैल्यू अगर 1 रखें तो ये दोनों इक्वेशंस को जीरो करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर यहाँ पे y है तो 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन में y की जगह 1 रखिए, सो इस इक्वेशन को भी ये जीरो करेगा क्योंकि दोनों का कॉमन रूट है। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 3 इज जीरो, सो 2a प्लस 3 इज जीरो, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन में 2 प्लस b इज जीरो, सो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। अब हमें a और b का प्रोडक्ट निकालना है, सो a इंटू बी इज इक्वल टू a की वैल्यू है माइनस 3 अपॉन 2 और b का माइनस 2, सो three is the value of A and B. That's all. Thanks.